शहनाज गिल ना कभी किसी से डरी है, ना ही कभी शहनाज ने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखूंगी। शहनाज हमेशा ही सिद्धार्थ को लेकर काफी वोकल रही हैं और एक बार फिर से शहनाज ने साबित कर दिया है और खुलेआम आकर कह दिया है दैट मुझसे ज्यादा प्यार सिद्धार्थ से कोई नहीं कर सकता। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूं कि शहनाज गिल जब आपको याद होगा कि बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले पर आई थी, तब उन्होंने कहा था कि मैंने ये हक किसी को नहीं दिया, ये हक मेरा है, मुझे जितना रिप्रेजेंट करना होगा मैं उतना करूंगी, जितना उसे ट्रिब्यूट देना होगा उतना ट्रिब्यूट दूंगी, मुझे जब तक उसे याद करना होगा मैं तब तक याद करूंगी और कोई मुझसे ये हक छीन नहीं सकता। सलमान ने भी कहा था कि डेफिनेटली आपको करना चाहिए, हक बनता है आपका। और इस वक्त इसी हक की वजह से देखिए शहनाज ने, जी हाँ शहनाज, यहाँ पर उनकी आइडिया आप देख सकते हैं, कुछ ट्वीट किया है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो शहनाज और शहबाज मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में कुछ फैंस ने आकर कुछ ट्वीट किए और उस ट्वीट पर बड़े ही प्यार से शहनाज ने जवाब दिया। सबसे पहले शहबाज लिखते हैं, नेवर रिग्रेट एनीथिंग दैट मेड यू स्माइल, कोई भी ऐसी चीज रिग्रेट मत करो जिसने एक वक्त पर आपको हंसाया हो। शहनाज गिल इस पर रिप्लाई करते हुए लिखती हैं, मैंने शहबाज को कॉल करके इस ट्वीट का डीप मतलब समझाने की कोशिश की, बट उसने रिप्लाई किया ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इसके आगे एक फैन जो है वो ट्वीट करते हैं शहनाज को, शहनाज आसमान नीला क्यों होता है? शहनाज कहती हैं क्योंकि नीला रंग आसमान का फेवरेट कलर है। इसके बाद शहनाज गिल को एक दूसरी फैन लिखती हैं, बट आई लव रेनबो मोर बेबू, यू नो व्हाट आई मीन। जी हाँ, रेनबो यानी कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। और इसी बात पर रिप्लाई करते हुए शहनाज दिल से लिखती हैं, नोबडी कैन लव रेनबो मोर देन मी, और हगिंग वाला इमोटिकॉन उन्होंने पोस्ट किया और साफ कर दिया है कि कोई कितना भी रेनबो से प्यार कर ले, लेकिन रेनबो और सिद्धार्थ शुक्ला, इन दोनों को मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। आपको क्या है कहना शहनाज की इस बात पर, आप बताइए।